कौसर की रसोई में आप सभी का वेलकम है। आज मैं अपने रसोई में बनाने वाली हूँ मसाला आलू फ्राई। देखिए, उसके लिए ये 6 आलू का छील करके इस तरह से पानी में रख लिए हैं, और ये 1 छोटे साइज की प्याज है इस तरह से काट लिए हैं, ये 2 चम्मच मूंगफली के दाने हैं, ये सूखे हुए गड़ी 2 टुकड़े, ये 5-6 काजू, ये हरी मिर्च 6, ये अदरक के टुकड़े हैं इस तरह से कद्दूकस कर लिए हैं, ये 5-6 लहसुन की कलियां इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, ये काली मिर्च है इस तरह से कूट करके ले लिए हैं, धनिया और सूखे लाल मिर्च को हल्का सा तावा में उला करके और इसे इस तरह से भूक लिए हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं। देखिए, इस तरह से आलू काट लेंगे। सभी आलू को इस साइज के टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह के टुकड़ों में काट लिए हैं सभी आलुओं को। इसे हल्का सा नमक और पानी देके बॉईल कर लेते हैं। इस तरह से बॉईल कर लिए हैं, नमक दे करके थोड़ा सा, देखिए 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं, 1 चुटकी हींग डाल देते हैं, कटी हुई लहसुन डाल दे रहे हैं, कटी हुई अदरक, कटी हुई प्याज, ये काजू डाल दे रहे हैं, मूंगफली के दाने, थोड़ी सी भून लेंगे। ये काट लिए हैं गड़ी को इस छोटे छोटे टुकड़े में, उसे भी डाल दिए इसके अंदर। ये हमारे सारे भून गए हैं। ये आलू बॉईल करके रखे हैं वो डाल देंगे। इसे थोड़ी देर अच्छे से भून लेते हैं, के अनुसार नमक ले लेते हैं। पहले भी आलू में बॉईल के टाइम में थोड़ा सा नमक ले लिए थे, इसीलिए स्वाद के हिसाब से ले लेंगे। ये धनिया और मिर्च हल्का सा भून करके कूट लिए थे वो है डाल देते हैं, 4 चम्मच। ये कुटी हुई काली मिर्च है उसे भी डाल देते हैं, 1 चम्मच। हरी मिर्च, जीरा पाउडर 1 चम्मच। धनिया के पत्ते, ये बेदाने हैं इस तरह से ले लिए। ये हमारे आलू मसाला फ्राई, ये किशमिश डाल देते हैं। आलू मसाला फ्राई बन चुके हैं, चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे आलू फ्राई मसाला बनकर के तैयार हैं। इसे जब भी भूख लगे आप बना करके खा सकते हैं, झटपट से बन भी जाते हैं। इसे काली चाय के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगेंगे, और मेरे रेसिपी आप सबको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परिवारों और दोस्तों में शेयर करें।